हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की स्पेशली वीडियो है सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन सिंगल फ्लेवर की। 2021 की सबसे लेटेस्ट मॉडल हमारी जो सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, इसके वीडियो बना रहे हैं कि मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे, इसमें मटेरियल कैसे बना के डालते हैं, आइसक्रीम कैसे निकालते और मशीन को वॉश कैसे करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए दोस्तों, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल्स नोटिफिकेशन जानकारी मिले कि मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, एक कौन कितने का पड़ता है, लैंडिंग कितने का है, सेलिंग कितने का है, एक कौन में कितना प्रॉफिट है, मुनाफा होता है, ये मशीन बिजनेस करके आपको रोजाना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखिए, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल मिले कि मशीन क्या है, बिजनेस करने से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है रोजाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारी 2021 की सबसे लेटेस्ट हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, जो एकदम पोर्टेबल और छोटी सी जगह में आप इसको रख सकते हो। आपके पास कोई भी छोटा सा कॉर्नर है, या आपका कोई कॉफ़ी शॉप है, मॉल है आपका, जहाँ पे स्पेस की कमी और आपको आइसक्रीम का बिजनेस करना है, तो इस टाइप की एकदम पोर्टेबल छोटी मशीन लेके आप आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर। और ये मशीन दिखने में छोटी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन है, आप एक घंटे के अंदर 90 से 100 कोन इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। इसके अंदर हमने 1 HP का टेकमसा कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर लगाया हुआ है दोस्तों, प्लस इसके अंदर डिजिटल एयरपम्प सिस्टम है। आपको हार्डनेस सॉफ्टनेस कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। सबसे पहले हम मशीन आपको डिलीवरी भेजते हैं कस्टमर के वहाँ, तो ये पोजीशन के अंदर ओपन होती है मशीन। इसका बॉक्स ओपन करते हो तो ये सेम पोजीशन होती है। इसमें आपको यहाँ का एक हैंडल, जो सर्विंग हैंडल रहता है, वो लगाना रहता है इसके अंदर। तो हैंडल कैसे लगाना है, ये इसका ऊपर का बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर से इसका पूरा किट निकलेगा, आप देख सकते हो पूरा एक किट है इसका। वो इमरजेंसी यूज़ के लिए, साफ सफाई के लिए सब ब्रश दिए गए, इसके होल्डर दिए गए, इसका ट्रे दिया गया है। हम इसके अंदर से इसका हैंडल निकालेंगे और यहाँ का एक ट्रे निकालेंगे इसका, ठीक है। ये इसका एक हैंडल हमने निकाला है और इसका एक ड्रेनेज ट्रे, जो यहाँ से कभी कभी बूंद बूंद गिरता है तो ये ड्रेनेज ट्रे के अंदर मटेरियल चला जाता है, आपका मटेरियल वेस्ट नहीं होता है इसके अंदर। और बाकी का ये फ्री कॉम्प्लीमेंट्री में वाइसर है, ओरिंग है, इसका ब्रश है, ट्यूब है, ग्रीसिंग है, सब है, जो अलग से आपको रखना है इमरजेंसी में, ठीक है। सबसे पहले हम इसका हैंडल फिट करेंगे, इसका एक रोड भी निकलेगा अंदर से, रोड आपको निकाल देना है जो यहाँ पे फिटअप होगा इसमें। अगर आपने मशीनें ले चुके हो मशीन, तो ये वीडियो देख के आपको ज़्यादा डिटेल मिलेंगी कि मशीन कैसे चलानी है, कैसे ऑपरेट करनी है आपने। ये इसका रोड है, यहाँ पे रोड लगेगा इसका, आप देख सकते हो, और यहाँ पे इसका हैंडल लगेगा। ये इसका हैंडल और रोड लग चुका है, आप देख सकते हैं फिटअप हो चुका है। अभी आपको खाली इसको पुश करना है, आइसक्रीम निकालना है, तब इसको छोड़ देना है, ये पुश करना है, ये आप देख सकते हैं पूरा। प्लस बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि ये कंपनी का जो पैकिंग निकला है, ये पैकिंग को रिमूव करना जरूरी है आइसक्रीम मशीन स्टार्ट करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। ये थर्मोकोल बॉक्स, इसको रिमूव करना जरूरी है। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी मशीन में आइसक्रीम नहीं बनेगी, इसलिए इसका खास ध्यान रखिए, इसका नोटिफिकेशन रखिए कि ये नीचे का बॉक्स और थर्मोकोल आपको निकाल देना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको वीडियो के अंदर निकाल के बताता हूँ, मैं पहले मशीन को ऑफ करूँगा, ये मशीन ऑफ हो चुकी है। अभी जाओ, ये इसको मशीन को ऊपर करके नीचे का बॉक्स हम निकालेंगे। ये रिमूव हो चुका है, ये थर्मोकोल सिस्टम पूरा निकल चुका है, आप देख सकते हैं, जिससे नीचे जो सर्कुलेशन एयर सकिंग का जो एरिया है, वो अगर आप वो रखते हो तो एयर ले नहीं पाती है मशीन, जिससे मशीन कूलिंग नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। अभी हम इसका ट्रे और जाली लगाएंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं ट्रे और जाली है, और यहाँ पे हम इसको ड्रेनेज पे लगाएंगे, आप देख सकते हैं पूरा ये लग चुकी है, ये वो ट्रे और जाली हमने लगा दी है। अभी हम मशीन को स्टार्टअप कर देंगे। ये हमने बॉक्स इसलिए रखा था कि आपको हम बता सके कि वो चीज़ रिमूव करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। प्लस यहाँ से हम बॉक्स ही निकालेंगे इसका भी।
इसका मैनुअल किट है। मशीन के बारे में अगर आपको जानना है कौन सा स्पेयर पार्ट आता है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, तो ये बुक के अंदर से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम सबसे पहले एक बार नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करेंगे। पानी ना खोदो, अबाजू थी ना, एक बार ये सादे पानी से हम इसको नॉर्मल वॉशिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं। बस अभी यहाँ पे वॉश का बटन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वॉश का बटन हम दबाएंगे, ये वॉशिंग होना स्टार्ट हो चुका है। इसको 2 मिनट तक आपको चलाना है, 1 से 2 मिनट तक वॉश बटन के ऊपर चलाना है, जिससे क्या होगा, अंदर जो भी छोटा मोटा डस्ट कचरा होगा वो अच्छे से निकाल देगा। मशीन के अंदर जो बीटर रहता है उसको सर्कुलेशन करके जो भी डस्ट लगा होगा वो आसानी से निकल जाएगा उसके अंदर से। अभी हम इसमें से वाटर वापस निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं पूरा। तो फ्लेवर नो पड़ी कुलाव जबरदस्त। उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस रहता है फ्लेवर बनाना, फ्लेवर बना के मशीन के अंदर डालना, ठीक है। तो ये फ्लेवर रहता है बेस्ट क्वालिटी का फ्लेवर है, 1 किलो का पाउडर रहता है, 1 kg पाउडर है, अराउंडली 180 से 200 रुपये पर kg इसका प्राइस रहता है, जो बेस्ट क्वालिटी का है, अभी तक का सबसे बेहतर क्वालिटी का पाउडर है। इसके अंदर आपको 4 लीटर मिल्क डालना है, 1 किलो पाउडर डाल के ऐसे एक बाउल में डाल देना है और उसको मिक्स करके ब्लेंड कर देना है। जो हमने ऑलरेडी ये फ्लेवर बनाया हुआ है स्ट्रॉबेरी का, हमने ऑलरेडी बना के रखा है ये पाउडर, आपको ऐसा फ्लेवर बनाना रहेगा, 4 लीटर मिल्क और 1 किलो पाउडर बनाना रहेगा। बना के इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करके मशीन के अंदर डाल देना है आपको। जैसे कि अभी हम ये मटेरियल इसके अंदर डालेंगे मशीन में, आप देख सकते हैं पूरा, ये हम मशीन के अंदर मटेरियल डालेंगे। हमने मटेरियल डाल दिया इसके अंदर, अभी उसका ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन दीजिए, ये इसका ढक्कन है जिससे ऊपर डस्ट ना जावे, कुछ कचरा ना जावे इसके अंदर, ये लगा दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज का बटन है, फ्रीज का बटन दबाने से मशीन स्टार्ट हो जाएगी, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, ये हम इसको पुश करेंगे। ये पुश करने से आपको मेन फंक्शन में आ गया, अब इसके अंदर आउटर का जो अंदर का फंक्शन है, कितना सेल्सियस टेम्परेचर है, 33 का टेम्परेचर है, आप देखिए 32 टेम्परेचर। आइसक्रीम कितना बना है, अभी रेडी नहीं है ये, जब आइसक्रीम रेडी होगा तब 100% हो जाएगा और एक कौन पूरा बन के रेडी हो जाएगा। एक बार इसको पुश करने से आपको इसका अंदर का डिटेल मालूम होगा, कितना वोल्टेज आ रहा है, 199 वोल्टेज है, रनिंग शिफ्ट कितना है, कितना कौन सेफ है, कितना कौन निकला है अंदर से, 8 कौन निकालो हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें से। अभी इसको फर्स्ट टाइम आपको डालने के बाद 12 से 15 मिनट का टाइम देना है आइसक्रीम जमाने के लिए। फर्स्ट टाइम जब आप मटेरियल डालते हो उस टाइम 10 से 15 मिनट का टाइम देना है, उसके बाद मटेरियल डालते रहो, आइसक्रीम निकालते रहो, मटेरियल डालते रहो, आइसक्रीम निकालते रहो, कंटिन्यूसली अपना बिजनेस या अपना काम कर सकते हैं इसके अंदर। 10 से 12 मिनट के बाद हम आपको आइसक्रीम निकाल के इसमें से बताएंगे, ठीक है। अभी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका है, 10 से 12 मिनट के अंदर आइसक्रीम जम चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% हो चुका है, यहाँ पे -3 का टेम्परेचर है। अभी हम इसमें से आइसक्रीम सर्विंग करेंगे, निकालेंगे इसमें से, ये आप देख सकते हैं पूरा। ये सॉफ्टी आइसक्रीम बन के तैयार हो चुका है, बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टी रेडी है, आप देख सकते हैं। आपको जैसा भी टर्निंग लेना है, जितना भी क्वांटिटी भरना है, आप अपने हिसाब से भर सकते हो इसके अंदर से, आप देख सकते हैं पूरा। जो भी हिसाब का क्वांटिटी भरना है आप भर सकते हैं इसमें से। इसमें आप हार्डनेस अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, कितना हार्ड रखना है, कितना सॉफ्ट रखना है, वो हिसाब से पूरा मॉडिफाई कर सकते हो इसमें से।
ये भी हमने आपको आइसक्रीम बना के निकालना बताया कि कैसे इसमें से आइसक्रीम निकालना है आपको, ठीक है। ये हिसाब से वो अपने बिजनेस सर्विंग कर सकते हो, अपना एक बिजनेस है उसमें सेल आउट कर सकते हो प्रोडक्ट को। अभी हम मशीन को नेक्स्ट स्टेप पे आपको वॉश करना बताएंगे कि इसको वॉशिंग कैसे करना है, कैसे इसको साफ सुफ करना है मशीन, जब रात को आप बंद करते हो तो मशीन को वॉश करना कैसे, तो वो हम आपको नेक्स्ट स्टेप अभी इसका बताएंगे। अभी हमने आपको आइसक्रीम जमा के दिखा दिया, अभी हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, उसके बाद हम आपको प्राइसिंग डिटेल देंगे कि एक कप कितने का पड़ेगा, आपको कितना खर्चा आएगा बनाने का, एक कोन बनाने का कितना खर्चा आएगा दोस्तों, तो वो सब जानकारी हम आपको देंगे। वैसे नॉर्मल जो 15 रुपए में मार्केट में कोन बिकता है उसका क्वांटिटी मैं आपको भर के बताता हूँ कि कितना क्वांटिटी भरता है, आप देख सकते हैं पूरा। इसको आपको बॉर्डर से उठाना है, बॉर्डर लाइन से, ये जो मार्केट में बिकता है 15 रुपए का, ये क्वांटिटी पे आपको सोल्ड आउट करना है, ये सेम क्वांटिटी। फिर जितना आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर एक नॉर्मल क्वांटिटी है जो मार्केट में 15 रुपए में सेल होती है, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप इसका भी बताएंगे, ठीक है। अभी हम इसको वॉशिंग का प्रोसेस करेंगे, जितना मटेरियल था वो हमने आइसक्रीम निकाल के निकाल डाला है, अभी इसको हम वॉशिंग का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम इसको पानी थोड़ा गर्म करने रख देंगे किटली में, जो नेक्स्ट स्टेप में वो गर्म पानी से वॉश करेंगे वो गर्म करने रख देंगे। अभी ये नॉर्मल वाटर से पहले वॉश करेंगे, ये नॉर्मल वाटर डालेंगे इसमें, बस नॉर्मल वाटर डाल दिया हमने। अभी हम इसका वॉश का बटन दबाएंगे, एक से दो मिनट चलने देना है इसको वॉश के बटन के ऊपर, एक से दो मिनट चलने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे, निकाल लेंगे अंदर से। अभी ये दो मिनट हो चुका है, हम इसको मटेरियल को निकाल देंगे इसमें से, आप देख सकते हैं जो वाटर डाला था अभी निकाल दे रहे हैं हम इसको। पाछू ना को नॉर्मल वाटर, दूसरी बार नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। इसका वॉश का बटन दबा देंगे, इसको एक मिनट तक चलने देंगे, रुको माडूरा, दो बार नॉर्मल वाटर डाल दिया है, चले तीसरी बार हम हॉट वाटर डाल रहे हैं इसके अंदर, इसको दो से तीन मिनट चलने देना है आपको, जिसकी वजह से जो मिल्क का जो स्माइल है चिक्का से जो चिकनापन है वो सब अच्छे से क्लीन अप हो जाएगा, इसका अच्छे से अंदर वॉश हो जाएगा मशीन पूरा। तो ये हिसाब से पूरा मशीन आप ऑपरेट चला सकते हो, अपने वहाँ लगा के उसको मैनेजमेंट कर सकते हो। और मेन चीज़ें मैं आपको बताया था इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप कि एक कोन बनाने का कितने का खर्चा पड़ता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको 4 लीटर मिल्क बनाना है, 1 किलो पाउडर डालना है, जो पाउडर का कीमत 180 से 200 रुपये पर केजी है, और मिल्क का कीमत आपके मार्केट में जितना होता है वो आप काउंट कर सकते हो। एक सेट बनाने से आपको 105 से 110 कोन का बैकअप मिलेगा, 105 से 110 कोन निकलेगा एक सेट बनाने से। एक कोन बनाने का खर्चा आपको 5 से 5.5 मैक्सिमम 5.5, वैसे तो हमने 4.80 रुपये 90 पैसे काउंट किया, फिर भी आप मैक्सिमम 5.5 रुपये काउंट कर सकते हो, इंक्लूड ऑल, जैसे कि मिल्क आ गया, पाउडर आ गया, कोन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस सब आ गया 5.5 रुपये के अंदर। आप मार्केट में आराम से उसको बाजार में 15 रुपये में सेल कर सकते हो, एक कोन पे आपको नेकेट 10 रुपये का नेकेट प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। और आज की तारीख में सबसे बढ़िया बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है मार्केट में चलने वाला, और कोई भी छोटी स्पेस पे इतना बड़ा स्पेस भी आपको रोकना नहीं है, अपने वर्किंग बिजनेस के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, जो आप अपने बिजनेस कर रहे हो ऑलरेडी फिलहाल उसके अंदर कहीं पे भी साइड में रख के आप आइसक्रीम का एक बिजनेस कर सकते हो उसके अंदर। तो आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है दोस्तों।
इस टाइप की मशीन की ज़्यादा डिटेल जानकारी लेने के लिए आप डायरेक्टली हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो वीडियो के नीचे ब्लिंकिंग हो रहा है वहाँ पर आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो। मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, कैसे साफ करना है, वॉश करना है, हर एक जानकारी वहाँ से आप ले सकते हो दोस्तों। और मशीन के अंदर डिस्काउंट क्या है तो नीचे ब्लिंकिंग नंबर हो रहा है वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी कंपनी की सेल्स टीम पे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हर एक जानकारी डिटेल ले सकते हो। मशीन की प्राइस क्या है, डिलीवरी कैसे मिलती है, मशीन के साथ क्या क्या सामान फ्री में मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ की आप जानकारी हमारी कंपनी में नंबर में फ़ोन करके हर एक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो एक बार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए प्रोडक्ट्स हमारी नई नई बिजनेस नए नए प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिलती रहे दोस्तों। वीडियो पसंद आई एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।